अगर आप वियतनाम घूमने का प्लान बना रहे हैं या वियतनाम घूमना चाहते हैं तो उसका वीज़ा आपको किस तरीके से लेना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वियतनाम वीज़ा के बारे में। अगर आप वियतनाम घूमना जाना चाहते हैं तो उसका वीज़ा आपको कैसे लेना है। वियतनाम वीज़ा लेने के तीन तरीके हैं, या ये कहें कि वियतनाम का वीज़ा आप तीन तरीके से ले सकते हैं। पहला है कि आप अपने पासपोर्ट और अपने डॉक्यूमेंट के साथ वियतनाम एम्बेसी जा सकते हैं और वहाँ पे वियतनाम वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको उसमें अपना पासपोर्ट देना है और आपको अपने जो बैंक स्टेटमेंट है वो दिखाना है अगर आप एम्बेसी जा रहे हैं तो। एम्बेसी का जो प्रोसेस रहता है वो थोड़ा हेक्टिक रहता है, आपको जाना पड़ता है एम्बेसी, फिर अपना पासपोर्ट सबमिट करना है ओरिजिनल, फिर उसके बाद वेट करना पड़ता है वीज़ा के लिए। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है वीज़ा ऑन अराइवल। वीज़ा ऑन अराइवल जो है वियतनाम हमें देता है, उसके लिए हमें क्या करना है, अगर हम वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल लेके जा रहे हैं तो उससे पहले ही हमें एक प्री अप्रूवल लेटर लेना होता है। हाँ जी, तो प्री अप्रूवल लेटर की ज़रूरत पड़ती है, बिना प्री अप्रूवल लेटर के आप वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल नहीं ले सकते। अब ये प्री अप्रूवल लेटर क्या है? तो प्री अप्रूवल लेटर एक तरीके से कि वियतनाम की जो गवर्नमेंट है उसने हमें अप्रूवल दे दिया है कि हम वियतनाम एंटर कर सकते हैं या हम वियतनाम वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हैं। तो आप ये मेरे स्क्रीन पे जो ये वेबसाइट देख रहे हैं, ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, इस वेबसाइट पे आप क्लिक करके और इसमें अपनी जो भी मैंडेटरी फील्ड्स आपसे पूछेगा, अपना नाम, अपना पासपोर्ट नंबर और बाकी की जो भी इंफॉर्मेशन ये पूछेगा वो सारी इसमें डाल दीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ ट्रैवल क्या है, कौन सी डेट पे आप आना चाहते हैं, वो सब डालिएगा और यहाँ से आप प्री अप्रूवल लेटर ले सकते हैं। अब प्री अप्रूवल लेटर लेने के लिए आपको $15 की फ़ीस देनी पड़ती है, ठीक है? $15 आप दे रहे हैं, $15 मतलब कितना हो गया, 1050 रुपये कुछ तो आपको प्री अप्रूवल लेटर के देने ही देने हैं। और उसके बाद आपका एक या दो दिन में आपकी ईमेल आईडी पे वो प्री अप्रूवल लेटर आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके आप अपना पासपोर्ट लेके आप जब वियतनाम जाएंगे तो वियतनाम के जो भी इमिग्रेशन काउंटर होगा वहाँ पे आपको वो प्री अप्रूवल लेटर दिखाना है और उसके बाद आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको $30 की फ़ीस पे करनी पड़ेगी, मतलब 2100 रुपये। तो 2100 रुपये आपने वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ पे किया इमिग्रेशन पे और $15 आपने यहाँ पे किया, तो एक तरीके से मतलब आपके 3100 या 3200 रुपये आपके इसमें लग जाएंगे। अब एक तीसरा प्रोसेस आता है ई वीज़ा का। वियतनाम ने रिसेंटली हम इंडियंस के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी शुरू कर दी है। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा है कि उसके लिए आपको कोई प्री अप्रूवल लेटर की ज़रूरत नहीं है। फिर उस वेबसाइट पे जाइए, अपनी जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो मांगेगा, उस पर वो फिल कीजिए, अपना नाम, अपना पता और आपका पासपोर्ट नंबर, आपकी डेट ऑफ ट्रैवल, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप उसमें फिल कीजिए और पेमेंट कीजिए। आपका दो दिन के अंदर आपके ईमेल पे ई वीज़ा आ जाएगा। दो दिन भी नहीं, मुश्किल से एक दिन में आ जाता है। अगर वियतनाम में कोई पब्लिक हॉलीडे नहीं है तो अलग बात है, लेकिन एक या दो दिन, मैक्सिमम दो दिन में आपकी ईमेल आईडी पे आपका वियतनाम का वीज़ा आ जाएगा। अब आप ये मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये वियतनाम का वीज़ा दिखता कैसा है। तो इसमें आपका पासपोर्ट नंबर, आपका जो वेबसाइट है वो भी लिखी रहेगी कि इस वेबसाइट से आप, जो ऑफिशियल उनकी वेबसाइट है यहाँ से आप वीज़ा ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फेक वेबसाइट्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगी कि हमसे वीज़ा ले लीजिए, आप उसमें अपनी पेमेंट तो कर देंगे लेकिन वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा, तो आपके पैसे एक तरीके से बर्बाद जाएंगे। तो आप चेक कर लीजिए, एक बार डबल चेक कर लीजिएगा कि जो वेबसाइट आप विज़िट कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। तो ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आप मेरे स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, तो ये ऑफिशियल उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट है जहाँ से आप ई वीज़ा ले सकते हैं या जहाँ से आप प्री अप्रूवल लेटर ले सकते हैं। तो तीन तरीके हैं, एक हो गया कि आप अपने कंट्री में वियतनाम की एम्बेसी विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, वहाँ पे अपने ओरिजिनल पासपोर्ट सबमिट कीजिए, तो उसमें आपका टाइम, आपका पैसा सब ज़्यादा लगता है, आपके आने जाने की कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है? दूसरा हो गया कि आप प्री अप्रूवल लेटर ले लीजिए पहले, $15 खर्च कीजिए, उसके बाद
प्री अप्रूवल लेटर का प्रिंट आउट लेके और अपना पासपोर्ट लेके जब आप वियतनाम जाएंगे तो वहाँ पे आपको $30 अलग से देना है। उस $30 में भी आपको क्या है कि बहुत से ऐसे इंसिडेंट हुए हैं वहाँ पे कि जैसे आपने वो बोलेंगे आपसे कि $30 इज़ द फीस फॉर वीज़ा ऑन अराइवल, ठीक है, तो आपके पास अगर $30 का चेंज नहीं है, सपोज़ आपने $100 दिया उनको, तो रिटर्न में आपको $70 मिलेगा, लेकिन वो $70 आपको डॉलर नहीं देंगे, वो कन्वर्ट करके आपको वियतनामीज डोंग, जो कि वियतनाम की करेंसी है, वियतनामीज डोंग आपको रिटर्न करेंगे, तो इसमें आपका एक नुकसान है। तो मेक श्योर अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल वैसे ले रहे हैं प्री अप्रूवल लेटर के साथ, तो आप उनको एग्जैक्टली $30 दीजिए, ऐसा नहीं कि आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आप नुकसान में रहेंगे। और तीसरा तरीका है ई वीज़ा का, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप उस वेबसाइट पर जाके अपनी सारी डिटेल्स फिल कीजिए और एक या दो दिन में मैक्सिमम आपका वियतनाम का वीज़ा आ जाएगा। तो ये जो तीसरा तरीका है ये सबसे आसान है, और जो ई वीज़ा की फ़ीस है वो है आपकी $25 की, ठीक है, $25 हो गया आपका अराउंड 1600-1700 रुपये के आसपास हो गया। तो इसमें आपके 1600-1700 रुपये लग रहे हैं ई वीज़ा में, और आपको घर बैठे बैठे आपका एक या दो दिन में आपके ईमेल पे सीधा का सीधा वीज़ा मिल जाएगा, कोई प्री अप्रूवल लेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। $25 पैसे भी कम लग रहे हैं, अगर आप प्री अप्रूवल लेटर लेके जाते हैं तो $15 वहाँ खर्च कर रहे हैं और $30 आप वहाँ पे फिर वीज़ा ऑन अराइवल उनकी कंट्री में जाके खर्च कर रहे हैं, तो आपका एक तरीके से $45 वहाँ खर्च हो गया, ठीक है। अगर आप एम्बेसी जा रहे हैं तब भी आप वहाँ पे $45 दे रहे हैं और आपका आने जाने का जो पैसा है वो भी खर्च हो रहा है। तो सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप ई वीज़ा लें, ई वीज़ा का प्रिंट आउट निकालें। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ई वीज़ा लेने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने फ़्लाइट्स बुक करने पड़े या होटल बुकिंग दिखानी पड़े, ठीक है। आप सीधे वो आपसे आपकी फ़्लाइट नंबर वगैरह कुछ नहीं पूछेगा, सिर्फ आपका पासपोर्ट नंबर पूछेगा, ठीक है। तो आप सीधा अपनी डिटेल्स फिल कीजिए और अपना ई वीज़ा ले लीजिए, और वीज़ा आने के बाद आप अपना फ़्लाइट्स और होटल बुक कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, कि कोई भी कंफ्यूजन है मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा हेल्प करने की। और आप मुझे यहाँ इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।